अगर दोस्तों आप भी मीशो ऐप को यूज करते हो तो दोस्तों आपको तो शायद पता ही होगा कि मीशो के प्रोडक्ट से लेकर आपको कितना नोटिफिकेशन आता होगा। तो अगर दोस्तों आप अपने मीशो ऐप के नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने मीशो ऐप का नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हो। जैसा कि क्या होता है कि दोस्तों जब भी अपने डाटा को ओपन करते हो तो अनेकों नोटिफिकेशन आपको मीशो के तरफ से आता है, तो दोस्तों इसे आप कैसे क्लोज कर सकते हो, तो आइए दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मीशो ऐप पर इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप इनअप का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर ऐप इनअप का ऑप्शन आपके स्मार्टफोन में नहीं दिखाई दे रहा है तो दोस्तों हम आपको दूसरा सेटिंग बताएंगे, दूसरे तरीके से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उसे नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मैनेज नोटिफिकेशन का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे ही ऑप्शन एक देखने को मिल जाएगा अलाउ नोटिफिकेशन का, वो ऑन है। अगर आप इसे ऑफ कर देते हो दोस्तों इस तरीके से तो आपके मीशो ऐप से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपके होम स्क्रीन पर या डिस्प्ले पे कह सकते हैं। तो दोस्तों ये तो पहला तरीका था, अब आपको हम बताते हैं अगर आपका मीशो ऐप को इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करने से ऐप इनअप का ऑप्शन नहीं दे रहा है आपके फोन में, तो दोस्तों मैं आपको सेटिंग ऐप से बता देता हूँ किस तरीके से आप सेटिंग ऐप से इसे बंद कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग ऐप को ओपन कर लेना है। सेटिंग ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप मैनेजमेंट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको फर्स्ट नंबर पर ही ऐप लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके फोन में जितने भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम आपको मीशो का नोटिफिकेशन को बंद करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने मीशो को यहाँ पर ढूंढ लेना है और उस पर आपको सिंपली इस तरीके से क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मैनेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि मैं एक तरीके से इसे बंद करके दिखाया हूँ। तो दोस्तों अगर आपके फोन में इस तरीके से दिखा रहा है तो दोस्तों आप इस पर सिंपली इस तरीके से क्लिक करके ऑफ कर दीजिएगा, उसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। तो दोस्तों इन दो तरीकों में से आप किसी एक तरीके से अपने नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हो मीशो ऐप के। तो दोस्तों ये रही जानकारी, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।